एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल में। और एक सेकंड, अब मैं ज्यादा सही लग रही हूँ, लाइट का रिफ्लेक्शन आता है यार बेबी ब्रो। ओह, और मैंने अपनी पावर डोज ले लिया आप लोगों के सामने ऑन कैमरा, आप लोगों को पता लग गया होगा मेरे अंदर पावर कहाँ से आती है, ये मेरी पावर हाउस है। तो इसको नींद आ रही है, पर मैंने कहा पहले थोड़े से व्लॉग बना ले। ऊटी से आने के बाद हमें काफी दिन हो चुके हैं, आप लोग ऊटी व्लॉग्स देख रहे थे, हम लोगों ने थोड़ा रिलैक्स करा, मम्मी के यहाँ होकर आई कुछ दिनों के लिए, वहां पे रेस्ट करा मैंने। और अब हम लोग आज जाने वाले हैं देखने के लिए मूवी, क्योंकि राम जी आ रहे हैं, पूरे इंडिया में राम जी को लाने का जोश है, तो भाई हनुमान मूवी देखना तो बनता ही है। लोगों ने बताया बहुत अच्छे रिव्यू है उसके, और इसे देखो चश्मा उठा लाया, ये बहुत अच्छे रिव्यू बताए जा रहे हैं, बहुत अच्छा बता रहे हैं सब लोग। तो शीनू के पापा का तो आपको पता ही है कि हनुमान जी के बहुत परम भक्त है वो, तो आज हम उन्हीं की मूवी देखने जाएंगे, अपने बेबी को दिखाने ले जाएंगे। बच्चों को ऐसी चीजें दिखानी चाहिए। पूछू चलेगा मम्मा के साथ, कह रहे जाके दिखा मेरे बिना अकेले गन्नी। तो आप लोगों में जो जो भी राम जी के आने का 22 जनवरी का पूरा दिल से वेट कर रहा है, कमेंट में जरूर जय श्री राम लिखना, क्योंकि मेरे से तो वेट हो नहीं रहा है। मेरे को तो ऐसा लग रहा है कि दिवाली अभी बीती थी लेकिन अब दिवाली दोबारा से आ रही है। मैं इनसे बोल रही हूँ रंगोली के कलर लेके आओ, दिए लेके आओ, मतलब इतनी एक्साइटेड हूं मैं कि मैं आपको शब्दों में नहीं बता सकती। तो इसीलिए हम लोग आज जा रहे हैं हनुमान मूवी देखने, क्योंकि बोल रहे हैं लोग बहुत वर्थ है, बहुत वर्थ है, मतलब देखनी चाहिए हम सबको। तो जाऊंगी देखूंगी फिर आप लोगों को बताऊंगी ऑनेस्टली कि कैसी कैसी है। पतिदेव ने टिकट बुक कर दिया हम लोगों की, तो अभी वो ऑफिस जाएंगे, ऑफिस से आने के बाद उनके हम जाएंगे। और तब तक मेरे पुचकू को नींद आ रही है, इसको सुला के पावर नैप दे के एकदम फ्रेश हो जाते हैं। भाई बाय कर दो, मतलब भाई हम सोने जा रहे हैं, नहा धो के भी हम सोते हैं, नाश्ता पानी नहीं करते, मम्मा खिलाती है लेकिन हम खाते नहीं है, हम सिर्फ सोते हैं जागते हैं, ऊधम करते हैं फिर सोते हैं फिर जागते हैं। नींद इसीलिए इसको आ रही है, ये अभी नहाया धोया है, ज्यादा देर इसको जागे हुए नहीं हुई, पर नींद इसलिए आ रही है, पूरी रात ऐसे ऐसे करा है इसने, पूरी रात मैं जागी हूँ, इसको गोद में लेके बैठू तो सो जाए। पता नहीं बच्चों को क्या हो रहा है यार, बीच में इतने अच्छे से सोने लग गया था लेकिन जब से सर्दी स्टार्ट हुई है, पिछले साल भी सर्दी में इसने परेशान करा था, मैं भी शायद सर्दी लगती होगी या क्या होता होगा वो यही जाने। तो इसको थोड़ा रेस्ट वेस्ट करा के मिलती हूँ मैं आपसे। हम लोग निकल गए मूवी के लिए, और ये देखो ये हमारा रैबिट, रैबिट वाली टोपी पहन के आया है और मुंह में उंगली देके रैबिट बन, रैबिट ग्लव्स नहीं देते मुंह में, वो निकालो, क्यूट लगना एक जगह और गंदा लगना दूसरी बात होती है। और ये रहे हमारे बेबी जो आज हाफ डे लेकर आए। बेबी कहाँ लेके जा रहे हो? हम जा रहे हैं जय श्री राम। जय श्री राम, इसको देखो बेटा तू कहाँ जा रहा है? कह रहा मुझे कोई मतलब नहीं है, मैं बाहर देख रहा हूँ अपने, यहाँ पे हमारे दिल्ली सरकार ने काम कुछ ज्यादा तेजी पे लगा रखा है, पूरे टाइम पता नहीं क्या कर रहे थे, अब हर जगह गड्ढे कर दिए हैं। इलेक्शन वाला है ना भैया, इलेक्शन, इलेक्शन में सब कुछ होता है, तो इलेक्शन से पहले हो जाए तब है ना, सारे जगह गड्ढे कर दिए, आधे रास्ते बंद कर रखे है। बेबी ब्रो कैसे जाता मेरे भैया, कितना ऐसे जाता खड़े होके, ये बेबी ब्रो यहाँ पे खड़े हुए हैं स्मार्ट बन के, मूंगफली मूंगफली दिख रहा है, मूंगफली का इधर में। अच्छा वो हाँ ढेर लगा हुआ है मूंगफली का, तो हम लोग थोड़ा सा टाइम से लेट चल रहे हैं। ये दोस्तों दिल्ली का बाग बीच है, चेन्नई नहीं होकर आ पाए थे, चेन्नई मतलब मरीना बीच नहीं गए थे, ये दिल्ली का बीच देख लो, दिल्ली का बागा बीच, दिल्ली सरकार बीच है। बेबी इसके अंदर से मछलियां भी निकलती है ना, दिल्ली बागा बीच, यहाँ पे फिशिंग भी की जाती है। हाँ पता है, मैं तो इनसे बोल रही थी लोग देखेंगे इधर, नाव ही चलाने लग जाए, वो लगा रखे बंसी, मेरे को बताना कहाँ पर है फिर मैं दिखाऊंगी लोगों को। पता है मतलब यहाँ पे ना बोट्स चलाने लगो तो एटलीस्ट टूरिस्ट प्लेस ही बन जाएगी, और क्या ही करना है फिर इस जगह का वरना। देखो मैं दिखाती हूँ आप लोगों को कितना ज्यादा पानी भरा हुआ, अलग अलग चिड़िया भी उड़ रही है, क्यों? हाँ यहाँ पे थोड़ा पानी है ना, वो बतख तैर भी रही है, पानी वाली है बेबी, सारे सारे बगुला बतख सब आ गई है धीरे धीरे। ये देखो दोस्तों चारों तरफ मच्छी पानी पानी, ये देखो यहाँ ये बच्चा लोग भैया लोग जो भी है उस साइड हो रहे मछली पकड़ रहे हैं। हाँ मछली पकड़ी जा रही थी, तो हम आपको अब सीधा पहुंच के थिएटर मिलते हैं। बेबी जल्दी चलाओ लेट हो रहे हम, आपने लेट किया है, मुझे मेकअप कर रहे थे। अच्छा नहीं तो मेकअप कर रहा था मैं। हाँ और क्या देखो दिखाना पिंक लिप्स। हाँ, इस दाढ़ी में मैं कलर लगा रहा था, ये बालों में कलर लगा रहा पिंक था, पिंक लिप्स दिखाओ ना अपने फिर, पिंक लिप्स हॉट में पिंके तो है ही। तो जी हम लोग पहुंच गए और ये कान्हा भाई के जूते मेरे हाथ में दे दिए हैं उन्होंने, और वो मजे से सेठ जी बन के अपने पापा की गोदी में चल रहे हैं, पर कोई नहीं ऐसा होता है। और मुझे ना यहाँ पे इतनी ज़्यादा टेंशन हो रही थी कि लगता है हम लोग लेट हो गए हैं, पता नहीं क्या ये वो, क्योंकि ना 10 मिनट ऊपर हो चुका था मूवी के लिए,
पर यहाँ आते आते मुझे ऐसा लगा लोगों को देख के कि ये तो अभी बाहर आ रहे हैं। उसके बाद जब मैं वहाँ अंदर पहुँची तो मुझे इतनी खुशी हुई कि मैं क्या बताऊँ आपको। यहाँ पे तो ऐड चल रही थी, वो भी सुनार की किसी, और कान्हा भाई इतने ज़्यादा एक्साइटेड थे अंदर कि मैं आपको क्या बताऊँ मूवी देखने के लिए बहुत। तो भैया इंटरवल हो गया और मैं बाहर कुछ खाने पीने लेने के लिए, और यहाँ पे देखो भाई मूवी के बारे में क्या ही बताऊँ भाई, सच में इतनी बवाल मूवी है ना कि आप लोगों ने नहीं देखे तो क्या ही बताऊँ। आओ और देखो इस मूवी को, एक बार नहीं, दो बार, तीन बार, चार बार, पांच बार भी देखो, क्योंकि मज़ा ही अलग है इस मूवी का। और भैया मैंने लिए हैं छोटा सा ये सामान जिसके अंदर थोड़े से पॉपकॉर्न, एक लावा और अपने एक रेड बुल, ये तो बनती है मूवी थिएटर में हो तो। और ऐसे ही मैं पहुंचता हूँ फटाफट लेके इसको अंदर। तो भैया यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, माँ और बेटा दोनों मज़े में लगे पड़े, जय श्री राम के नारे लग रहे हैं, और कान्हा भाई बोल रहे हैं जय श्री राम। हम लोग मूवी देख के निकल आए, और मूवी कैसी थी बेबी? मतलब आपको देखनी चाहिए ये मूवी, नहीं देखी तो छोड़ दो, फिल्म में देखना छोड़ दो, बहुत अच्छी थी। आराम से बताते हो, अभी मैं एक बार कार में पहुंच जाऊँ। हम लोग घर आ चुके हैं और इन लोगों को देखो, दोनों को, ये तो सो भी चुके हैं। और अब मैं आपको बताती हूँ ब्रीफ में, भैया ये मूवी आपने देखी तो आपने लाइफ में कुछ नहीं देखा। इतनी सुंदर मूवी, एक एक शब्द अच्छा, डायरेक्शन अच्छी, एक्टिंग अच्छी, सब कुछ बहुत अच्छा था। मतलब लिटरली हमने 30-40 बार तो जय श्री राम चिल्ला दिया होगा, पागलों की तरह चिल्ला रहे थे। एंड में हनुमान चालीसा चला, लोग खड़े होकर सुन रहे थे, इवन राहुल वो भी खड़े होकर सुन रहे थे, कान्हा क्लैपिंग्स कर रहा था। मतलब मूवी नहीं कुछ और ही था भाई, बवाल है। आप ये लोग मूवी ज़रूर देखने जाओ, और कौन कौन प्राण प्रतिष्ठा के लिए सुपर एक्साइटेड है कमेंट में, वंस अगेन जय श्री राम ज़रूर लिखना। बाय बाय।